ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और पेश आज के मुख्य समाचार। चित्रकोट विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिले के अंतिम दिन आज कांग्रेस प्रत्याशी राजमन बेंजाम और भाजपा उम्मीदवार लच्छूराम कश्यप सहित 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर परसों 2 अक्टूबर से राज्य में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का शुभारंभ होगा। पहले चरण में 13 नगर निगमों में शुरू होंगे कार्यालय। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया। और राजनांदगांव और कांकेर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर। अब समाचार विस्तार से। चित्रकोट विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिले के अंतिम दिन आज 9 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। इनमें कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार भी शामिल हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राजमन बेंजाम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य पार्टी नेताओं की उपस्थिति में अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। वहीं भाजपा उम्मीदवार लच्छूराम कश्यप द्वारा नामांकन दाखिले के समय उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और पूर्व मंत्री रामविचार नेताम उपस्थित थे। और ब्यौरा हमारे बस्तर संवाददाता संतोष वर्मा से। बस्तर जिला के चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 87 के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख थी। कुल 9 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए, जिनमें 1 महिला निर्दलीय है। 1 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी तथा 3 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। आज पर्चा दाखिल करने के बाद कांग्रेस तथा भाजपा ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में तत्कालीन विधायक दीपक जैत द्वारा सांसद चुनाव जीतने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दिए जाने के कारण विधायक का सीट खाली हुआ था। आगामी 21 अक्टूबर को क्षेत्र के 229 मतदान केंद्रों में वोट डाले जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए जगदलपुर से मैं संतोष वर्मा। इस उपचुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होगा और 24 अक्टूबर को मतगणना होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर से राज्य में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना शुरू की जाएगी। पहले चरण में यह कार्यालय 13 नगर निगमों में काम करना शुरू कर देंगे। दूसरे चरण में इस योजना का विस्तार नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को सुलभ प्रशासन और बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके तहत क्षेत्र की साफ सफाई, सड़क नाली पुलियों की मरम्मत और उनका रखरखाव के अलावा स्ट्रीट लाइट और अन्य नगरीय समस्या का निवारण किया जाएगा। इन कार्यालयों में लोगों को नवीन व्यापार लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण, संपत्ति कर, जल कर, समेकित कर के भुगतान और सामुदायिक भवन के आरक्षण जैसी नागरिक सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और समसामयिक विषयों की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने आज दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान आत्मसमर्पित माओवादियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे माओवादी संगठन से जुड़े अन्य लोगों को भी समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। राज्यपाल ने आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास और उनके रोजगार के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया। राज्यपाल ने इस दौरान दंतेश्वरी महिला कमांडो से भी मुलाकात कर माओवादी उन्मूलन में उनकी भूमिका की सराहना की। राजनांदगांव और कांकेर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर मिली है। सुरक्षा बलों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजनांदगांव जिले के पुगदा और कोरचा के बीच पहाड़ी इलाके में करीब 12 माओवादी एकत्र हुए हैं। इसके बाद जिला पुलिस बल, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की अलग अलग टीम सर्चिंग अभियान पर निकली। इस दौरान सुबह करीब 7:30 बजे घात लगाकर बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। सर्चिंग के दौरान मौके से 1 नग क्लेमोर माइंस के अलावा माओवादियों के दैनिक इस्तेमाल की कई वस्तुएं बरामद की गई हैं। वहीं अब से थोड़ी देर पहले खबर मिली है कि कांकेर जिले के ताड़ोकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत माहुरपाट और मानकोट के बीच पहाड़ी पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच आज दोपहर मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मौके से माओवादियों के दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया है।
कौशल विकास और रोजगार मंत्री उमेश पटेल ने राइट टू स्किल योजना के तहत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय स्तर पर प्लेसमेंट सेल गठित किए जाने की जरूरत बताई है। ये बात उन्होंने आज नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन और अप्रेंटिसशिप पखवाड़े के शुभारंभ अवसर पर कही। श्री पटेल ने कहा कि कौशल विकास योजना की गाइडलाइन में परिवर्तन का अधिकार राज्यों के पास भी होना चाहिए, जिससे स्थानीय जरूरत के मुताबिक बदलाव किया जा सके। सम्मेलन में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार सिंह सहित विभिन्न राज्यों के मंत्री और प्रमुख सचिव शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आकाशवाणी केंद्र रायपुर से पोषण अभियान पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते 1 अगस्त से देश भर में पोषण अभियान शुरू हुआ है। राज्य में बीते 1 सितंबर से चल रहे पोषण महीने का आज अंतिम दिन है। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा बच्चों और माताओं के संतुलित आहार और पोषण पर खास ध्यान दिया गया। इस बारे में आकाशवाणी समाचार ने बात की भारत सरकार के खाद्य और पोषण बोर्ड रायपुर के कार्यालय प्रभारी मनीष यादव से। इस बातचीत का प्रसारण आज रात 8:30 बजे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से किया जाएगा। इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। न्यूयॉर्क के येल क्लब में ऊर्जा की उपलब्धता और जलवायु परिवर्तन विषय पर अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के सीईओ आलोक कटियार शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन की प्राथमिकताओं के बारे में निवेशकों और विशेषज्ञों को विस्तार से जानकारी दी। श्री कटियार ने राज्य की ओर से अक्षय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा की जलवायु परिवर्तन में भूमिका तथा राज्य द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। कल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर राज्य में बुजुर्गों के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है। इस मौके पर सभी जिलों में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह, स्वास्थ्य जागरूकता शिविर और वित्तीय संरक्षण संबंधी कार्यशाला आयोजित की जाएगी। अपने संदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी बुजुर्गों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बुजुर्ग जीवन भर परिवार और समाज को अपना अमूल्य योगदान देते हैं। जीवन की संध्या में उनकी खुशी, स्वास्थ्य और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर परसों 2 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में साइकिल रैली निकाली जाएगी। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित यह रैली सुबह 7:30 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम पिच 2 से शुरू होगी। इसके बाद साइंस कॉलेज, जी रोड, विश्वविद्यालय मार्ग होती हुई हॉकी स्टेडियम में संपन्न होगी। इसमें स्थानीय खिलाड़ियों, स्कूली छात्र छात्राओं, एनसीसी और एनएसएस के बालक बालिकाओं सहित अधिकारी कर्मचारी, आम नागरिक और युवा शामिल होंगे। वन्य प्राणी के विषय में जन जागरूकता लाने के लिए प्रदेश में 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान स्कूली बच्चों के लिए निबंध, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वन्य प्राणी सप्ताह का शुभारंभ परसों 2 अक्टूबर को रायपुर में साइकिल रैली के साथ होगा। वन मंत्री मोहम्मद अकबर हरी झंडी दिखाकर इस रैली का शुभारंभ करेंगे। यह रैली भारत माता चौक, कैनाल रोड, गांधी उद्यान, शास्त्री चौक, जयस्तंभ चौक, जेल रोड से होती हुई वन मंडल कार्यालय में संपन्न होगी। समापन स्थल पर आमसभा आयोजित की जाएगी। इस मौके पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, प्रधान वन संरक्षक अतुल कुमार शुक्ल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में 2 अक्टूबर बुधवार को आयोजित होने वाला जन चौपाल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। बनारस रेल मंडल में बलिया बासाडीह रेलमार्ग पर जलभराव के कारण कल 1 अक्टूबर को दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। जगदलपुर के बस स्टैंड मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में 1 युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। कोरिया पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। और नवरात्र के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जा रही है। इस मौके पर राज्य के सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिले के अंतिम दिन आज कांग्रेस प्रत्याशी राजमन बेंजाम और भाजपा उम्मीदवार लच्छूराम कश्यप सहित 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। कल नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर परसों 2 अक्टूबर से राज्य में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का शुभारंभ होगा। पहले चरण में 13 नगर निगमों में शुरू होंगे कार्यालय।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया। और राजनांदगांव और कांकेर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।